नमस्कार मित्रों, माँ संतोषी की कृपा से दूर होंगे सारे दुख। माँ संतोषी की पूजा करने से मन में शांति मिलती है और जीवन के दुखों से छुटकारा भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माँ संतोषी की पूजा और व्रत लगभग 16 शुक्रवार तक किया जाता है। सुख संतोष की देवी माँ के पिता गणेश और माता रिद्धिसिद्धि हैं। रिद्धिसिद्धि धन धान्य सोना चांदी मूंगा रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें प्रसन्नता सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने की देवी भी माना गया है। मित्रों, सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने की देवी भी माना गया है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। मित्रों, एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। मित्रों, बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थोपती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटी की बात पसंद आ गई, उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। मित्रों, इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने पर सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वह उसने देखा कि बहुत सी स्त्री पूजा कर रही थी। उन्होंने उन स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वह बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। मित्रों, व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया, कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियाँ भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरे पति घर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपये भी अभी नहीं आए हैं। मित्रों, उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। मित्रों, घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया और उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे। मित्रों, तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। मित्रों, पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद में रहने लगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।